तारीख का मस्जिद की इंतज़ामिया ने और कुछ यहाँ के मुकामी लोगों ने। मिठाई है, कुछ स्वीट डिश हैं, खजूरें हैं, पानी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ब्रुनाई की मस्जिदों का विज़िट करवाया जाए और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ की मस्जिदें कैसी हैं और इनका जो है तर्ज़ तमीर कैसा है, अंदर से कैसी नज़र आती हैं और बाहर से कैसी दिखती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और इसके साथ ही वीडियो के एंड पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम जो होता है मस्जिदों में वो कैसा इंतज़ाम करते हैं और कितने लोग इफ्तारी करने के लिए आते हैं, जो कि न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इफ्तारी का इंतज़ाम करने में। तो आइए चलते हैं जी। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मद जमालुल आलम। ये ब्रुनाई का जो दूसरा इनका बड़ा सिटी है वहाँ पर, वहाँ की दूसरी बड़ी मस्जिद है। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइनिंग की अखीर कर दी इन्होंने, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइनिंग है मस्जिद के बाहर से आप देख रहे हैं। इनकी जो मस्जिदों की ख़ास बात है, ये मीनार आप देखें, मीनार भी इंतहाई खूबसूरत हैं, ऊपर स्टार लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मीनार बनाए हुए हैं इस मस्जिद के, और ये चीज़ यहाँ पर कॉमन है। और दूसरा जो यहाँ की मस्जिदों के जो गुंबद हैं वो भी एक से ज़्यादा नज़र आएंगे आपको और गोल्डन कलर में ज़्यादातर होंगे। गोल्डन कलर जो है ये इनका एक स्पेशल निशानी है ब्रुनाई की मस्जिदों की, जब धूप में और ज़्यादा सुनहरी कलर जब चमकता है तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ये देखें एक छोटा गुंबद है यहाँ पर भी, एक जो यहाँ पर हम जूते उतारते हैं अंदर जाने से पहले, यहाँ पर ये नज़र आता है। और ये सामने दरवाजे हैं एंट्रेंस के लिए, इस तरह के दरवाजे मस्जिद के चारों तरफ हैं, कम से कम 8 से 10 दरवाजे हैं चारों तरफ, किसी भी साइड से आप एंटर हो सकते हैं। अभी हम यहाँ से एंटर होंगे, उससे पहले मैं ये दिखाता चलूँ, ये पिलर के ऊपर याद दहानी के लिए उन्होंने लगाया हुआ है कि मना मस्जिद के अंदर मना है। ये इनकी अपनी जो लोकल मकामी ज़बान है मले लैंग्वेज, उसमें लिखा हुआ है। और ये जूते अंदर लेके जाना भी मना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने याद दहानी के लिए लिखा हुआ है ताकि कोई भूल के भी अंदर ये काम ना करे। अब चलें, अब एंटर होते हैं। ये तारिक लिखा हुआ है, ये तारिक वो नहीं है जो आप समझते हैं, जो पाकिस्तान में तारिक नाम होता है, ये मलय लैंग्वेज का लफ्ज़ है तारिक, इसका मतलब है कि पुल, यानी कि दरवाज़ा बाहर की तरफ खींच के खोलिए। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है, अंदर से कितने नफीस और खूबसूरत नीचे कारपेट बिछे हुए हैं। और ये जो शीशे लगे हुए हैं दाएं साइड पे, ये इन्होंने पार्टीशन की हुई है फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सारे का सारा एरिया जो है जहाँ पर शीशे लगे हुए हैं ये औरतों के लिए, ये पर्दे वाला भी, यहाँ पर औरतें ना सिर्फ दिन में नमाज़ पढ़ती हैं बल्कि शाम को ईशा की नमाज के बाद आके यहाँ पर तरावी भी पढ़ती हैं। ये सारा एरिया औरतों के लिए मुख्तस है। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है, बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। इसमें एक टाइम पे सैकड़ों लोग नमाजी जो है ना वो नमाज पढ़ सकते हैं एक ही टाइम पे, और स्पेशली जब जुमे का दिन होता है और ईशा की नमाज होती है तरावी के दौरान, इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, और फिर भी कुछ एरिया खाली होता है। ये दो स्टेप ऊपर चढ़ के आए तो यहाँ से आपको छत और ज़्यादा ऊँची नज़र आएगी। ये बहुत ही नफीस फनूस भी लगा हुआ है ऊपर, जो कुरान करीम की आयत लिखी हुई है जिस डिज़ाइन से वो लिखी हुई है, ये मस्जिद की खूबसूरती को और भी चार चांद लगाती है। ये साइड से है, साइड व्यू है, चारों तरफ से ऐसे ही है। ये छत थोड़ी सी यहाँ से उन्होंने उठा के बनाई हुई है और शीशे लगाए हुए हैं ताकि बाहर से रोशनी आए मस्जिद के अंदर, और छत का अपना स्पेशल डिज़ाइन है। बहुत बड़ा ये एक गुंबद है जो इतनी बड़ी मस्जिद के ऊपर रखा हुआ है और पूरी मस्जिद की छत को कवर करता है। देखें क्या ही खूबसूरत माशाल्लाह, ये ब्रुनाई की मस्जिदों की खूबसूरत है,
के अपना ही डिज़ाइन है, ये खूबसूरती में इनका कोई सानी नहीं। जी ये मेहराब है, यहाँ पर जो इमाम साहब हैं वो खड़े हो गए मस्जिद जमात करवाते हैं, और ये ऊपर दाएं तरफ इनका जो मेंबर बना हुआ है, यहाँ के मेंबर ब्रुनेई की मस्जिदें हैं और इवन के मलेशिया की मस्जिदें मैंने देखी हैं, उनके मेंबर ऐसे ही बनाते हैं ये लोग, लकड़ी के नहीं बने होते बल्कि ये सीमेंट के कंक्रीट के बने होते हैं और ऊपर टाइलें वगैरह लगी होती हैं, ये खूबसूरत से डिज़ाइनिंग की होती है और काफ़ी ऊँचे होते हैं ये, ताकि जो इमाम साहब हैं वो जब खड़े होकर खुतबा दें तो उनको पीछे सारे लोग बैठे हुए नज़र आएँ और पीछे वाले लोगों को भी इमाम साहब नज़र आएँ। ये मेहराब के दाएं तरफ इस तरफ अगर हम आएँ तो ये बहुत सारे कुरान शरीफ माशाल्लाह पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी बंदा आए और पढ़ना चाहे तो वो लेकर पढ़ सकता है। ये स्क्रीन दोनों साइडों पे लगी हुई है, एक एक स्क्रीन, उसके ऊपर नमाजों का टाइम और जो तो यहाँ पर इमाम साहब हैं और मौज़न हैं उनके नाम लिखे होते हैं, साथ तस्वीर लगी होती है ताकि सबको पता हो कि यहाँ का मौज़न कौन है और जो इमाम साहब हैं वो कौन है। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लगाया हुआ सामने, साथ में ये स्क्रीन चल रही है, इसके ऊपर मोहम्मद जमाल और आलम वाला विलेज ये मस्जिद का नाम भी चल रहा है, साथ साथ कोई ख़ास कोई इंस्ट्रक्शन और वो भी चलाते हैं इसके ऊपर माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी सीनरी है, सुभान अल्लाह, है खूबसूरत मस्जिद, काफ़ी बड़ी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के एसी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मस्जिद की इंतज़ामिया है उन्होंने नमाजियों के लिए पंखों का भी इंतज़ाम किया हुआ है, ये देखें बहुत सारे पंखे रखे हुए हैं ताकि नमाजियों को गर्मी ना लगे। उम्मीद है आपको ये मस्जिद पसंद आई होगी। चलें अब चलते हैं अफ्तारी के लिए इंशाल्लाह, और देखते हैं कि यहाँ पर अफ्तारी कैसे होती है। माशाल्लाह